हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। हर एक मोनोग्राफ में उसकी स्टोरेज दी होती है, टेम्परेचर में दी होती है, स्टेट नहीं लिखा होता, पर फार्माकोपिया स्टेट को भी मेंशन करता है जो कि हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में होता है। मतलब कि बुक के अगर आप 1 से 2 पेजेस शुरू के पढ़ेंगे तो आप उसको इसमें आपको ज़रूर मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर हमें दिया हुआ है मोनोग्राफ में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हुआ कि कोल्ड स्टेट है। अगर टेम्परेचर दिया है 8 to 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब कूल स्टेट है। अगर टेम्परेचर है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स वार्म स्टेट। अब 40 डिग्री अगर मेंशन है तो एक्सेसिव हीट। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं एच सी एल का। सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ HCl। स्टोरेज कंडीशन में क्या दी हुई है, स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, स्टेट कौन सी हुई, वार्म स्टेट। अब एक और देख लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। उसका दिया हुआ है इट इज़ स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, इट मीन्स कूल टेम्परेचर में रखा जाना चाहिए। सो ये हुआ स्टोरेज की बात। थैंक यू।